नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। 2,56,00,000 रुपए है मैं गाड़ी के, ये 8,00,000 बच्चे में गाजियाबाद वालों को, ये 11,00,000 रुपए पढ़ाने वाली को, ये 11,00,000 झूठी चुराई। नाजरीन आदाब, आज अजीब सी बड़ी खबर से आगाह करते हुए शेयर कर रहे हैं। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और खूब चर्चा है। नाजरीन, बहुत से चैनलों पर इस खबर को शाया किया गया है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। यूपी के मेरठ में होने वाली शादी का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हा के लिए खूब पैसों की बारिश कर दी है। जूते चोरी के रस्म पर 11,00,000 रुपए दिए गए। जिसने इस लड़की को पढ़ाया उस उस्तादनी को भी लाखों रुपए दिए गए। निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब को भी काफी रुपए दिए गए। नाजरीन, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने जा रही ये वीडियो मेरठ के बाईपास रोड पर एक रिसॉर्ट का है। कुछ लोग दूल्हा पर जहेज लेने पर सवाल उठा रहे हैं और तबसरा कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं अपने बच्चों को देते हैं तो क्या हर्ज है। ये बारात गाजियाबाद से मेरठ आई हुई थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि निकाह की रस्मात जारी हैं। दुल्हन के घर वालों से दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए देने का ऐलान किया जा रहा है। लड़की वाले सूटकेस में रुपए लेकर आए हुए थे। जूते चोरी रस्म के लिए दूल्हा की तरफ से 11,00,000 रुपए दिए गए। जिस खाजी ने निकाह पढ़ाया उसको भी अमीर बना दिए, उनको भी 11,00,000 रुपए दिए। इलाके की मस्जिद के लिए 8,00,000 रुपए दिए गए। नाजरीन, दूल्हा को दिए गए 2,56,00,000 जहेज के रुपयों में 75,00,000 रुपए लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए दिए गए। नाजरीन, इस शादी में आए हुए मेहमानों में एक ने इस निकाह की तकरीब को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। ये वीडियो 4 दिन पहले की बताई जा रही है। आइए जानते हैं तस्वीर से। 2,56,00,000 रुपए है मैं गाड़ी के, 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है। गाड़ी कौन सी है? 100 किलो हमारे किले में गाड़ी के। अच्छा, कोई से ले लो, कोई से ले लो। ये वाला भी 8,00,000 पहले 8 एक फाड़ दो, आज जी एक फाड़ दो भैया। हेलो, वो मस्जिद के लग जाएंगे ना। ये 8,00,000 मस्जिद में गाजियाबाद वालों को, ये 11,00,000 रुपए पढ़ाने वाली को, दो जी को रखो 11,00,000। भैया ये 11,00,000 झूठी चुराई। माशाल्लाह।